हेलो एवरीवन। तो आज हम सीबीएसई क्लास 9th बीहाइव बुक का जो चैप्टर 2 है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे किसमें, इंग्लिश बाबा चैनल में। और अभी तक अगर आपने इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी। आंसर देखिए, एवलिन वाज 17 इयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। एवलिन जब रॉयल एकेडमी जो थी म्यूजिक की लंदन में, जब वो वहां गई थी उसकी एज 17 साल थी। व्हेन वाज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस, व्हेन वाज इट कंफर्म। पहली बार उसका जो बहरापन था, मतलब सुनने में जो प्रॉब्लम होती थी, कब नोटिस की गई थी और कब ये कंफर्म हो गया कि हाँ सचमुच में उसे प्रॉब्लम है। Her deafness was first noticed when she was 8 years old. उसका जो बहरापन था सबसे पहली बार नोटिस किया गया था जब वो 8 साल की थी। And it was confirmed when she was 11. और ये कंफर्म हुआ जब 11 साल का था। जिन बच्चों ने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इन चैप्टर्स के लिंक, यानी पार्ट 1 का और पार्ट 2 का द साउंड ऑफ म्यूजिक के, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो लोग पहले इस चैप्टर को पढ़ जरूर लें, तभी आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। Who helped her to continue with music? What did he do and say? उसकी हेल्प किसने करी म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए और उसने क्या कहा और एंड से। परकुशनिस्ट रॉन फॉब्स, जो एक टीचर थे परकुशनिस्ट रॉन फॉब्स, उन्होंने एवलिन की हेल्प की टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, म्यूजिक में आगे बढ़ने में। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उन्होंने कैसे शुरू किया, जो दो बड़े ड्रम लिए और उनका नोट, एक का हाई नोट कर दिया और एक का लो नोट कर दिया। उस He asked her not to listen to them through her ears, but to try and sense the sound in some other manner. और जो रॉन फॉब्स थे, जो टीचर नए टीचर थे किसके, एवलिन के, उन्होंने कहा कि तुम भाई जाहिर सी बात है, अगर तुम सुन नहीं सकती हो अपने कानों से तो कोई दूसरा तरीका ढूंढो, इसे फील करने की कोशिश करो किसी दूसरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। ऐसे कौन कौन सी जगह हैं और ऐसी क्या क्या कॉजेज हैं जिसके लिए एवलिन क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो आंसर है एवलिन विद हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। क्योंकि एवलिन क्या है, एवलिन का जो शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा हैक्टिक हो चुका है क्योंकि अब वो बड़ी स्टार बन गई थी। गिव सोलो परफॉर्मेंस एट रेगुलर कॉन्सर्ट। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है जब कोई आर्टिस्ट बिल्कुल अकेला परफॉर्म करता है, जैसे आपने बड़े बड़े सिंगर देखे होंगे, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, ठीक है, सोलो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा शी गिव फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजंस। इसके अलावा वो जेल वगैरह में जो कैदी लोग होते हैं उनके लिए फ्री कॉन्सर्ट देती है, हॉस्पिटल्स में देती है फ्री कॉन्सर्ट्स। शी ऑल्सो अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और जो छोटे बच्चे हैं जो आगे चल के म्यूजिक इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उन्हें भी वो क्लासेस देती है और उन्हें प्रायोरिटी पर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा बड़ा है, जो आपको 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। अब हम सबको पता है कि एवलिन सुन नहीं पाती, उसके कानों में कुछ प्रॉब्लम है, जो नर्व डैमेज हो गई थी, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो। अब वो किस किस तरह से म्यूजिक को सुनती है। एवलिन हर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किस तरह से सुन पाती थी, जो नोट्स होते थे म्यूजिक के, अपनी बॉडी के थ्रू वो फील कर पाती थी। व्हेन रॉब फॉब्स टर्न टू ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स एंड आस्क्ड हर टू सेंस द साउंड विदाउट यूजिंग हर ईयर, शी रियलाइज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। जब रोन फॉब्स ने दो ड्रम बजाए जिसमें एक का नोट ऊपर रखा और एक का नीचे रखा, तब उसने क्या फील किया, दैट शी कुड फील द हायर ड्रम। देखो यहाँ पे जो हायर ड्रम है वो उसे अपनी वेस्ट के ऊपर से फील हो रहा था, कमर के ऊपर से, एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और जो नीचे वाला जो ड्रम था, मतलब जो लो नोट थे, वो उसे कमर के नीचे से उसे वाइब्रेशन फील होते थे। शी लर्नड हाउ टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। उसने सीखा किस तरह से वो अपनी जो साउंड्स की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो अपनी बॉडी में या माइंड में किस तरह से उन्हें फील कर सकती है। इट वॉज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ये उसका कठिन परिश्रम ही था। व्हेन शी प्लेड द जाइलोफोन शी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। और जब वो जाइलोफोन बजाती थी तो वो जो साउंड की जो रेजोनेंस है, जो आवाज है, वो उन स्टिक के थ्रू उसकी फिंगर टिप्स में आते हुए वो क्या कर सकती है, महसूस कर सकती थी। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कुड फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ड्रम पे झुकती है, मतलब उसे बजाने के लिए, वो क्या महसूस करती है कि जो म्यूजिक है वो अपनी बॉडी से के थ्रू वो फील कर पाती है।
On a wooden platform, she removed her shoes so that the vibration could pass through her bare feet and up her legs. और वो क्या करती थी, जब वो लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती थी तो अपने शूज या चप्पल वगैरह उतार देती थी ताकि उसके नंगे पैरों से जो वाइब्रेशन है वो अच्छी तरह से उसकी बॉडी में ट्रेवल कर सके और फील कर सके. She herself said that the music poured in through every part of her body. It tingled in the skin, her cheekbones, and even in her hair. उसने खुद ही कहा था, जैसे अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी, कि म्यूजिक जो है उसकी पूरी बॉडी में बसता है, मतलब वो सुन सकती है. इट टिंगल्ड इन हर स्किन के थ्रू, चीक बोन्स के थ्रू, और यहां तक कि उसके हेयर में उससे सेंसेशन होती है. किसका? म्यूजिक का. अब जो द साउंड ऑफ म्यूजिक का जो पार्ट टू है, ठीक है, बिस्मिल्ला खान वाला, उसके क्वेश्चन आंसर हम ले रहे हैं. व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग द पुंगी? औरंगजेब ने जो पुंगी के बजाने पे बैन क्यों लगा दिया था, मना क्यों कर दिया था कि ये नहीं बजेगी? औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी आवाज बड़ी खराब सी, गंदी सी थी, इसलिए उसे बैन करवा दिया था. हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? जो शहनाई है वो पुंगी से अलग किस तरह से है? शहनाई हैज अ बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी. नंबर वन, एक तो इसकी क्वालिटी अच्छी है. दूसरा, इट इज नेचुरल होलो स्टेम पाइप्स विद होल्स ऑन इट्स बॉडी. शहनाई में क्या है, शहनाई में देखिए, अगर यहाँ पे क्या जो नेचुरल होलो पाइप्स हैं और इसकी जो बॉडी है वो क्या है, ब्रॉडर है. ब्रॉडर मीन्स चौड़ी है, बड़ी है पुंगी से. शहनाई इज इन अ वे एन इम्प्रूवमेंट अपॉन द पुंगी. शहनाई क्या है, पुंगी का ही एक इम्प्रूव वर्जन है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. वेयर वॉज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली? हाउ डिड बिस्मिल्ला खान चेंज दिस? शुरुआत में जो जो शहनाई होती थी कहां बजाई जाती थी और बिस्मिल्ला ने इसे किस तरह से चेंज किया बिस्मिल्ला खान ने, तो आंसर देखिए. द शहनाई वॉज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. कहां कहां बजाई जाती थी? रॉयल कोर्ट्स में, टेम्पल्स में और वेडिंग्स में बजाई जाती थी. फिर क्या किया उस्ताद बिस्मिल्ला खान, एन अनडिस्प्यूटेड मोनार्च ऑफ द शहनाई, ब्रॉट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज. उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो थे, जिन्होंने क्या नाम है, शहनाई पे इतना ज्यादा काम किया, ऐसे ऐसे राग निकाले शहनाई से जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, वो इसे कहां पे ले आए, क्लासिकल स्टेज पे ले आए. व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्ला खान गेट हिज बिग ब्रेक? बिस्मिल्ला खान को अपना बिग ब्रेक कब मिला, मतलब पहला चांस कब मिला बहुत बड़ा ब्रेक? आंसर देखिए, बिस्मिल्ला खान गॉट हिज ब्रेक इन 1938 में उन्हें पहला ब्रेक मिला. द ऑल इंडिया रेडियो ओपन्ड इन लखनऊ एंड बिस्मिल्ला खान प्लेड शहनाई ऑन रेडियो. जब AII यानी कि जो ऑल इंडिया रेडियो है, जब वो लखनऊ में खुला, तब बिस्मिल्ला खान को पहला मौका मिला रेडियो पे बजाने का. इससे क्या फायदा हुआ होगा कि अब जो लाखों, मतलब जो श्रोता हैं, वो कहीं पे भी बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे शहनाई को सुन सकते हैं रेडियो के माध्यम से. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड प्लेयर ऑन रेडियो. और बहुत जल्दी ही वो एक ऐसे, मतलब शहनाई बजाने वाले प्लेयर बन गए जो कि बहुत ज्यादा लोग उन्हें पसंद करते थे रेडियो पे उन्हें सुनना. ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो रेड फोर्ट यानी लाल किले से जब, मतलब जो समारोह मनाया गया, जो और खुशियां मनाई गई, तो उसमें वो पहले इंडियन थे जिन्होंने भारत की इस खुशी को किस तरह से मनाया, अपनी शहनाई बजाकर. आगे चलते हैं. वेयर डिड बिस्मिल्ला खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? व्हाई वॉज द इवेंट हिस्टोरिक? बिस्मिल्ला खान ने जो शहनाई 15 अगस्त 1947 को कहां पे बजाई और वो जो इवेंट था वो हिस्टोरिक, ऐतिहासिक क्यों था? आंसर, On 15th August 1947, Bismillah Khan played the raag kafi on his shehnai from the Red Fort. कहां से बजाई थी उन्होंने? दिल्ली से, Red Fort से. और कौन सा उन्होंने राग बजाया था, ध्यान रखेंगे आप, राग काफी. The event was historical because it was on the occasion of India's independence from the British rule. ये जो बात थी, ये जो टाइम था, बड़ा ऐतिहासिक था, इसलिए था क्योंकि भारत को ब्रिटिश रूल से यानी कि अंग्रेजों से आजादी मिली थी. आगे चलते हैं. Why did Bismillah Khan refuse to start a Shehnai school in the USA? USA में जब उनका एक स्टूडेंट कहता है कि सर यहाँ पे स्कूल शुरू कर लो, तो वो मना क्यों कर देते हैं? Refuse का मतलब मना. Bismillah Khan refused to one of his students request to start Shehnai school in the USA because he would not live away from Hindustan. क्योंकि वो हिंदुस्तान से अलग नहीं रहना चाहते थे. Specially from Banaras, the river Ganga and Dubrao. Specially उन्हें जो बनारस में
रिवर गंगा से बहुत लगाव था और डुमराव से उन्हें बहुत लगाव था, तो इन वजह से वो कहीं पे भी बाहर यूएस वगैरह में कोई भी स्कूल शुरू नहीं करना चाहते थे। फाइंड एटलीस्ट टू इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्ला खान लव्स इंडिया एंड बनारस। कोई ऐसी दो बातें बतानी है आपको जिससे आपको ये पता चले कि जो बिस्मिल्ला खान है वो भारत को और बनारस को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आंसर, द फर्स्ट इंस्टेंस इज व्हेन ही टर्न डाउन हिज स्टूडेंट्स ऑफर टू स्टार्ट अ सेनाई स्कूल इन द यूएसए। एक तो देखो ये वाली बात है, जैसे आजकल के लोगों को लगा रहता है कि भैया विदेश में बचे हैं, विदेश चले जाओ, ये चले जाओ। जब उनके स्टूडेंट ने कहा सर विदेश में आप सेनाई स्कूल शुरू कर लो, एक तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें भारत में रहना था। एक तो इस वाली बात से पता चलता है कि वो अपने देश से कितना प्यार करते हैं। दूसरा, द सेकेंड इंस्टेंस इज वेन खान साहब वॉज आस्ड बाई शेखर गुप्ता अबाउट मूविंग टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशन। जब खान साहब ने शेख जब खान साहब से पूछा गया शेखर साहब कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए पार्टीशन जिस टाइम विभाजन हुआ था, ही सेड दैट ही वुड नेवर लीव बनारस। उन्होंने कहा कि वो बनारस को कभी छोड़ के किसी भी देश में नहीं जा सकते। तो इन सब बातों से क्या पता चलता है कि वो न केवल भारत को बल्कि भारत के जितने भी जगह हैं स्पेशली बनारस और डोमगांव से उनका बहुत ज्यादा लगाव था। तो आई होप ये जो क्वेश्चन आंसर्स थे इंग्लिश बाबा चैनल में जो क्वेश्चन आंसर द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट वन और पार्ट टू के, ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर ये आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हो, आपको हेल्प मिली हो, तो प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको किसी दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की एक्सप्लेनेशन चाहिए।